नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता सिंह, आप देख रहे हैं फीफा फूज। में बात कर रही हूं आज रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 की। शिवानी शिवाजी राव एक बार फिर आ गई हैं देश और समाज की तमाम चीजों पर प्रहार करने। 2014 में उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स से डील किया था। उनकी अगली फिल्म आई है जहां वो SP बन चुकी हैं और एक साइको किलर को ठीक करते हुए उससे पंगा लेते हुए नजर आने वाली हैं। इस समय इस कहानी का आना बहुत प्रासंगिक इसलिए लगा क्योंकि अभी पिछले दिनों देश में एक बहुत बड़ी वारदात हुई और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सभी के जहन में एक ही ख्याल था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, इन्हें कैसे ठीक किया जाए और इनको कैसे सबक सिखाया जाए। तो ऐसे वक्त में एक ऐसी कहानी पर्दे पर आती है जहां तुरंत 1 घंटे 44 मिनट में ऐसे अपराधी के साथ इंसाफ कर दिया जाता है और जो रियल लाइफ में होने बहुत वक्त लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, वो आपकी आंखों के सामने वो बदला ले लिया जाता है और इस एक चीज को फीड करती है ये फिल्म। इसलिए मुझे इस फिल्म का आपकी प्रासंगिकता इस वक्त बहुत ज्यादा लगी। अब बात करूंगी फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी कोटा में बेस्ड है। शिवानी शिवाजी राव ट्रांसफर होकर वहां पर आती हैं, स्टूडेंट्स का इलाका है, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। वहां पर उनके आते ही एक वारदात होती है रेप और ब्रूटल मर्डर की और शिवानी शिवाजी राव ऐसी परिस्थितियों में ये ठानती हैं, सबके सामने कहती हैं कि वो उन्हें पकड़ेंगी, किलर को पकड़ेंगी, क्योंकि किलर जो है वो साइको है, कहीं ना कहीं कम एज का है और कम एज के किलर की बहुत सारी बातें हैं। 18 साल से कम के लोग अगर क्राइम करते हैं तो बच जाते हैं, पिछले बहुत सारे केसेस में ऐसी चीज़ें आई हैं। तो उस किलर को पकड़ने के दरमियान बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां वो समाज के ठेकेदारों को जवाब देती हुई नज़र आती हैं, उस क्रिमिनल से दो दो हाथ करती हुई नज़र आती हैं, उसके दिमाग जो एक साइकोपैथ है उसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी को अनफोल्ड करती हुई नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं समाज के पैरोकार जो लोग लड़कियों लड़कों के बराबरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सीन दिखाया जहाँ पे एक चैनल में इंटरव्यू देती हैं वो, और हालांकि सेकेंड हाफ में ये सीन है कहानी को ब्रेक करता हुआ लगता है, लेकिन इस सीन की अपनी प्रासंगिकता है। इस सीन में बहुत सारे उन सवालों का जवाब है जो उनको देना चाहिए और वो देती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन, बहुत अच्छा लगा। हालांकि कहानी बहुत ग्रिपिंग है। शिवानी और विशाल जेठवा, रानी मुखर्जी और विशाल जेठवा बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं, कम एज के हैं, उनका लुक बहुत गजब का है। हालांकि वो नेगेटिव भूमिका में, मगर थ्रिलर के रूप में उनका कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है और रानी मुखर्जी गजब की अदायगी उन्होंने की है, गजब की एक्टिंग की है, बहुत दमदार लगती है, उनकी डायलॉग्स बहुत दमदार लगते हैं, बेबाक है, निडर है, उनका कैरेक्टर बहुत उभर कर आता है और कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर के भूमिका में वाकई वो मर्दानी लगती हैं। तो कहानी में बलात्कारी और मर्डरर की तलाश करते हुए वो कहीं ना कहीं दो चार होती हैं, रूबरू होती हैं उस एक शख्स से जो बहुत कम उम्र का है, उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और फिल्म के अंत में क्या होता है इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ये फिल्म। लेकिन बहुत सारे मुद्दे इसमें उठाए गए हैं जहाँ हम एक तरफ देश में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम बहुत बड़ा ऊंचा होने का गौरव महसूस करते हैं, वहीं तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे इस गौरव को तार तार कर देती हैं, जहां औरतों के प्रति हमारी सोच बहुत छोटी है और उस सोच पर बार बार प्रहार करती हुई नजर आती है फिल्म मर्दानी। गोपी पुत्रन ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मर्दानी की स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी मगर ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की है। बहुत बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत इंगेजिंग, बहुत ग्रिपिंग, सुपर थ्रिलर है, मतलब आपको एक मिनट का सांस लेने का मन नहीं होता, आप एक मिनट के लिए भी ब्रीजर नहीं, आप एकदम कंटिन्यूसली इंगेज रहते हैं। मुझे कुछ काम था फोन में मगर मैं नहीं देख पाई, यू कुड नॉट टेक योर आईज ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन, फर्स्ट हाफ डज दैट टू यू, बहुत ही ग्रिपिंग है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा कहीं कहीं ढीला होता है लेकिन अदरवाइज फिल्म पूरी, मुझे क्लाइमेक्स तक बहुत अच्छा लगा सीन, हालांकि आपको लगता है इतनी जल्दी क्लाइमेक्स नहीं आ सकता क्योंकि फिल्म छोटी है और वो उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। 1 घंटे 44 मिनट की फिल्म है और इसीलिए फिल्म इतनी क्रिस्प रह पाई है, एंड को भी बहुत ज़्यादा खींचा नहीं गया है और जो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेक्स का सीन है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा और बहुत रियल है। मैंने उस सीन को थोड़ा और ड्रामेटिक, जब चल रहा था तो मुझे लगा बहुत ड्रामेटिक होगा, एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होगा, मगर बहुत रियलिस्टिक बना करके उसे वहीं पर छोड़ दिया गया है। और इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ क्योंकि वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, बहुत सारी बातें इसमें जो टीवी इंटरव्यू का जिक्र मैं कर रही हूँ वहाँ पर वो कहती हुई नज़र आती हैं कि आप बराबरी की बात करते हैं, पहले हिस्सेदारी तो बराबर की दीजिए। तो एक बहुत अच्छा प्रहार है, उन्होंने महिलाओं के मेंस साइकिल पर एक कमेंट किया है कि आप सीटें आरक्षित होने पर आप लोग को बहुत तकलीफ होती है, आप लोग कहते हैं कि सीटें आरक्षित हैं बराबरी करेंगी, तो उस पर वो एक जवाब देती हैं कि जो प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं उनसे लड़ने के लिए अगर कोई चीज़ की जाए तो उसे बराबरी नहीं कहते। और बहुत ही बहुत सारे मुद्दों पर ये फिल्म बहुत सारी बातें करती हुई नज़र आती है, ज़रा भी प्रीची नहीं है,
अगर मैं इसके मैसेज पार्ट और सोशल पार्ट को साइड में रख दूं और प्योर थ्रिलर के नज़रिए से देखूं, तो प्योर थ्रिलर भी एक गजब की है, आपको थ्रिल करती है, एक्साइट करती है, फिल्म आपको एक मिनट भी हिलने नहीं देती है। और फिल्म का सरप्राइज पैकेज है विशाल जेठवा जो इस फिल्म के विलन है, रानी मुखर्जी जैसे दमदार एक्ट्रेस जिनके अभिनय की कस्में खा सकते हैं लोग, उनके एक्सप्रेशन गजब के हैं, उनकी एक्टिंग गजब की है, उनके सामने वो खड़े उतरते हैं, खड़े होकर इतनी कम उम्र में जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, जो उनका लुक है, उनकी जो आंखें हैं गजब की हैं, उनको गजब का लुक दिया, उनका करियर आगे ब्राइट है, फिल्म में उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स मिल सकते हैं। तो एक्टिंग काफ़ी अच्छी, रानी मुखर्जी के बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही दमदार एक्टिंग की है, शानदार, पावरफुल, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत नेचुरल लगती है, एक बेबाक पुलिस ऑफिसर जो निडर है मगर दिमाग से एकदम शातिर चालाक, क्रिमिनल्स की एक एक चीज़ों को बारीकी से समझती है, जो अपने सहयोगियों को बहुत अच्छे से रखती है मगर क्रिमिनल पर बराबर से वार करती है, पहली दृष्टि में देख करके ही क्रिमिनल को पहचान जाती है, इस तरह की एक अदाकारा रानी मुखर्जी जिन्होंने जिया है। शिवानी शिवाजी राव का किरदार, मैं बात करूँ फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की, तो ज़बरदस्त है, वो फिल्म का एक किरदार है। अगर रानी मुखर्जी और सनी, शिवानी शिवाजी राव और सनी दो किरदार है, तो फिल्म का कैमरा इसका तीसरा किरदार है। पहले सीन से ही वो आपको एंगेज कर लेता है, अपने आप में समा लेता है, एडिटिंग बहुत क्रिस्प है, इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है कि 1 घंटे 44 मिनट की फिल्म है, तो ये दोनों सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बहुत अच्छी, डायरेक्शन तो अच्छा है ही, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, अननेसेसरी म्यूजिक डांस गाना नहीं डाला गया, वो बहुत अच्छी बात है फिल्म की, मज़ा आता है आपको देखने में फिल्म, और कहीं ना कहीं बहुत सारे सीन्स हैं जो आपके अंदर आक्रोश लाते हैं, आपकी आंखों में आंसू लाते हैं, बहुत सारे टची सीन्स हैं। शुरुआत के सीन से ही बात करूँ तो डॉक्टर पहली बार जब लड़की को एग्जामिन करती हैं, उनके जब बॉडी आती है और वो कहती है उसे, शिवानी को सिर्फ बहुत शॉर्ट शब्द इतने एक लाइन में कहती हैं कि उसको छोड़ना मत, और शिवानी कहती हैं आई विल, उसको हैंग कर देना, वो कहती हैं आई विल, इसके बाद एक के बाद एक सीन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक के बाद एक तरतीब से बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं, बहुत सारे हार्ड हिटिंग सीन्स हैं, बहुत सारे एंगेजिंग सीन्स हैं, तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इसलिए कि इस फिल्म में कहीं भी प्रीची ना होते हुए भी और थ्रिलर और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन को बरकरार रखते हुए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। एक प्रोमिनेंट किरदार जो बहुत पुरुष प्रधान मनोवृत्ति का था, वो कैसे सच्चाई को देख करके और कहीं ना कहीं प्रासंगिकता को देख करके और कहीं ना कहीं ज़रूरत को देख करके वो बदलता है, अपनी राय बदलता है, और उसका उसके राय बदलने का एक जश्न दिखाया गया है, तो ये एक प्रक्रिया है जो समाज में शुरू हो सकती है, उसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, और कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी ने ये फिल्म ला करके ये साबित कर दिया गया है कि फिल्मकार, अभिनय, एक्टर्स इन सब अपनी भूमिकाओं में कहीं पीछे नहीं है, वो भी इन विषयों के बारे में सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं मर्दानी के बारे में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म को मैं रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय, अच्छी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा डायरेक्शन और विशाल जेठवा का गजब का, उनकी गजब की एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, सबको मिलाकर मैं इस फिल्म को दूंगी 4 स्टार। आप ज़रूर देखिए ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, बताएगी और साथ ही साथ एंटरटेन भी करेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी थ्रिलर है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, ये ज़रूर बताइएगा, रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी राय शेयर करेगा, आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।